Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 2 of your company audit. So I hope that you have liked my lecture number 1. I have uploaded the lecture number 1 in both the languages and we have discussed till here. Okay, so we are going to start from the 5th disqualification, and first I'll explain the topic in Hindi and then I'll explain the topic in English. And before starting the topic, thank you so much for supporting me. And I had posted a poll day before yesterday where I asked you about the lecture number 1, that whether you want other lectures or not. And 70 to 75% of my audience wants that I should upload other lectures, so I am here with the further lectures. Okay, so starting with the 5th disqualification, first Hindi explanation is starting, and if I will cover English explanation in this video, then I'll drop a timestamp for that, or any one of you can also do that. I'll pin that comment. Okay, so starting with the 5th disqualification. A person or a firm who, whether directly or indirectly, has a business relationship with the company, company subsidiary, holding, associate or subsidiary of such holding company, okay, of such nature as may be prescribed. तो इसका मतलब कोई भी पर्सन या फर्म, मतलब पर्सन जो कि ऑडिटर बनने जा रहा था या फर्म जो कि ऑडिटर बनने जा रही थी, उसका अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इंडेप्टनेस में बताना ज़रा क्या डिस्क्वालिफिकेशन थी, डायरेक्ट इंडेप्टनेस कब तक, कितने अमाउंट तक की एक पर्सन होल्ड कर सकता है, पर्सन रिलेटिव या पार्टनर, 5 लाख तक की, और इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस 1 लाख तक की, है ना, याद है ना आप लोगों को जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था. और ये क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो हमारी इनडेप्टनेस थी. अब ये क्या है, हमारा बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है. तो अगर कोई पर्सन या फिर फर्म, वहाँ पर क्या था हमारा, जो हमारी 4th डिस्क्वालिफिकेशन थी, वहाँ पर था हमारा पर्सन रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर, राइट. बट यहाँ पे क्या है, पर्सन या फिर फर्म, या ना ही रिलेटिव है ना ही पार्टनर है. अब आप खुद ही सोचो ना, बिजनेस रिलेशनशिप इनडायरेक्टली है, तो इनडायरेक्टली में पार्टनर, एम्प्लॉयर सब कुछ ही कवर हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई इन्होंने सिर्फ यहाँ 2 बातें मेंशन की हैं, पर्सन और फर्म, ठीक है. तो अगर पर्सन या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है उसका, या तो कंपनी के साथ में, या उसकी होल्डिंग के साथ में, या एसोसिएट के साथ में, या सब्सिडरी के साथ में, या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी as may be prescribed, तो वो क्या हो जाएगा, वो disqualified हो जाएगा. वो firm फिर auditor नहीं बन सकती, वो person फिर auditor नहीं बन सकता, company auditor, ठीक है. अब business relationship क्या है, तो students may note that for the purpose of clause E above, the term business relationship shall be construed as any transaction entered into a commercial purpose. कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस पर्पस, जो कमर्शियल पर्पस के लिए आपका एंटर हुआ है, तो वो दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, तो वो 2 लोगों को बिजनेस रिलेशनशिप में रिलेट कर देगा. अब बिजनेस रिलेशनशिप की भी 2 एक्सेप्शंस हैं. अब एक्सेप्शंस का क्या मतलब हो गया, अगर बिजनेस रिलेशनशिप होगी तो जनरल टर्म्स में तो वो डिस्क्वालिफाइड होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आ गई, तो अगर ये एक्सेप्शंस वाली कंडीशन होगी तो बिजनेस रिलेशनशिप होते हुए भी वो पर्सन या फर्म ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड रहेगा, ठीक है ना. तो वो क्या है, कमर्शियल ट्रांजेक्शंस विच आर इन नेचर ऑफ अ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म अंडर द एक्ट एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड द रूल्स और रेगुलेशंस मेड अंडर दोज एक्ट्स. तो जो भी हमारे कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, मतलब जो भी बिजनेस रिलेशनशिप्स प्रोफेशनल सर्विसेज की नेचर में होंगे, तो वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएंगे, अगर मतलब कोई भी पर्सन या फिर कोई भी फर्म अगर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए एसोसिएटेड है, बिजनेस मतलब कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हैं, बिजनेस रिलेशनशिप उनका इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो क्वालिफाइड होगा, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ. एक्सेप्ट जहाँ आ गया, वहाँ पे क्या हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन का एक्सेप्शन मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है.
और अगर हमारा बिजनेस रिलेशनशिप कैसा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस. नाउ व्हाट इज़ आर्म्स लेंथ प्राइस? लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द ऑडिटर एज कस्टमर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय कंपनीज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड सच अदर सिमिलर बिजनेसेस. तो अगर वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स मतलब ऐसे वाले हैं जैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है एट आर्म्स लेंथ प्राइस. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, आर्म्स लेंथ प्राइस एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? तो पहले हम लोग ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करते हैं. तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया कि सेल ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज टू द ऑडिटर. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑडिटर से सेल कर रहे हैं एज अ कस्टमर. कंपनी क्या है? कस्टमर है. ऑडिटर क्या है? ऑडिटर से आप लोग परचेज कर रहे हो. ठीक है, लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट्स टू द ऑडिटर. सॉरी, कंपनी सेल कर रही है और ऑडिटर क्या है? कस्टमर है. कंपनी सेलर है और ऑडिटर क्या है? कस्टमर है. तो वो क्या कर रही है? वो सेल कर रही है प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में. जैसे कि जो कंपनीज इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ टेली कम्युनिकेशंस, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, तो मतलब ये कंपनी हो सकता है, ये कंपनी किसकी हो? एयरलाइंस की हो. तो वो ऑडिटर कस्टमर हो सकता है, वो उनकी एयरलाइंस को यूज़ कर सकता है. लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो उनकी एयरलाइंस को यूज़ कर रहा है, मतलब उनका कस्टमर है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है अगर उनका, तो मतलब ऐसा नहीं कि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपकी सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन है. और फर्स्ट वाला हमारा क्या था? इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज. तो प्रोफेशनल सर्विसेज भी आपकी एक तरह से वही हो गई, लाइक डॉक्टर वगैरह. ठीक है ना, तो आपकी ये दोनों चीज़ें जो होंगी, अगर ये ऐसा होगा तो बिजनेस रिलेशनशिप अगर इन दोनों बातों के होंगे तो वो ऑडिटर बनने के लिए पार्टनर सॉरी पर्सन या फर्म क्वालिफाइड होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? डिसक्वालिफाइड होगा. इसका मैं आपको एक और क्लियर पिक्चर देने के लिए मैं आपको एक आर्म्स लेंथ प्राइस का एक प्रॉपर एग्जाम्पल बता देती हूँ, मतलब एक्सप्लेनेशन. ठीक है, प्लीज़ मेरे को एक सेकेंड दीजिए, मैं अपनी फाइल खोल लूँ. सी गाइस, ये आप लोग एक पिक्चर देख रहे हो, तो इस पिक्चर में क्या है? ये आर्म्स लेंथ. आर्म्स लेंथ में इसने क्या कर रखा है, इसकी शक्ल नहीं देख रहा है, मतलब कि इसको नहीं पता कौन है ये. इसने बस एक पेपर पकड़ रखा है और ये कह रहा है कि सबको मैं यही प्राइस लगाऊंगा या यही मेरी कंपनी की पॉलिसी है या यही मेरे बिजनेस की पॉलिसी है. एंड ये बिना शक्ल देखे सिर्फ अपने जो पेपर्स हैं, सिर्फ जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पे ध्यान दे रहा है. तो आर्म्स लेंथ प्राइस क्या हुआ, डेफिनेशन पढ़ते हैं. आर्म्स लेंथ प्राइस मीन्स अ प्राइस विच इज़ अप्लाइड और प्रपोज्ड टू बी अप्लाइड इन अ ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सनस अदर देन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन. मतलब कि वो प्राइस जो कि सभी को ही चार्ज किया जाता है, मतलब इससे इस बात से इन्फ्लुएंस नहीं होता है वो प्राइस कि वो मेरा रिलेटिव है या फिर मैं उससे रिलेटेड नहीं हूँ. वो जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट होता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, कोई उन टर्म्स एंड कंडीशंस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है. तो वो प्राइस मतलब जो भी हमारा जो बिज़नेस रिलेशनशिप है, तो उसमें अगर हम लोग डे टू डे अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी अगर हम बिज़नेस रिलेशनशिप में हैं, मतलब ऑडिटर और कंपनी, तो वो जो प्राइस होना चाहिए वो आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए. बिकॉज़ अगर वो किसी भी तरह से ऑडिटर जो है वो मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, लाइक अगर कंपनी ऑडिटर को डिस्काउंट दे रही होगी स्पेशल कि आप हमारी कंपनी के ऑडिटर हो और हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, तो वो एक तरह से क्या होगा, एक तरह से वो ये हो जाएगा कि आप ऑडिटर को मतलब एक रिश्वत कह सकते हैं, वो दे रहे हो आप. ठीक है, तो उसमें चांसेस हैं कि ऑडिटर क्या कर सकता है, वहाँ पे वो वाला थ्रेट आ जाएगा आपका, जो एडवोकेसी थ्रेट है, राइट. तो आपका एक तो एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा और आपका इंटिमिडेशन थ्रेट तो नहीं कह सकते बिकॉज उसमें ऑडिटर को निकालने का नहीं है, बट या आपका एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा. बिकॉज आप खुद सोचो, अगर आप किसी शॉप पर जाते हो एंड वो आपको डिस्काउंट देते हैं, तो फिर आप बार बार उस शॉप पर जाते हो और एक तरह से मतलब ऑडिटर को अगर कोई और प्राइस पर चार्ज करेगा तो वो ऑडिटर उसको उसकी जो व्यूज़ हैं उसको फालतू में वो करता रहेगा,
जिसको कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा कर उसकी गलत इमेज भी दे सकता है, ट्रू एंड फेयर नहीं हो पाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। सो दैट इज़ वाई, बिकॉज वहाँ पे वो थ्रेट आ सकती है, इसलिए जो भी हमारा प्राइस होना चाहिए वो आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए। तो ये वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ वाई मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया एंड ये डेफिनेशन दिखाया, सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है। अब हम लोग प्रोफेशनल सर्विसेज का एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका प्रोफेशनल सर्विस है इसका मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था, कोई कार्टून या कुछ, सो दैट इज़ वाई प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो हॉस्पिटल्स है बट स्टिल कुछ कुछ ऐसी प्रोफेशनल सर्विसेज जो कि लेकिन परमिटेड होना चाहिए वो, ठीक है। मतलब कंपनी जिसको ऑडिट करने जा रहे हैं वो और जो ऑडिटर है उन दोनों के बीच में जो भी प्रोफेशनल सर्विस हो रही है वो परमिटेड होना चाहिए टू बी रेंडर्ड, या तो ऑडिटर के थ्रू या ऑडिट फर्म अगर उसको रेंडर कर रही है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग परमिटेड होनी चाहिए वो प्रोफेशनल सर्विस। अगर वो प्रोहिबिटेड है तो फिर वो डिसक्वालीफाइड ही होगा, फिर वो क्वालिफाइड नहीं होगा। बट अगर वो प्रोफेशनल सर्विस परमिट है उसकी वजह से वो दोनों बिजनेस रिलेशनशिप में हैं तो वो ऑडिटर या फर्म, मतलब वो पर्सन या फर्म ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और थी, फैमिलैरिटी थ्रेड भी आ सकता है। अभी याद आया मुझे, फैमिलैरिटी थ्रेड में तो था ना कि अगर कोई गिफ्ट दिया है कंपनी ने ऑडिटर को तो, मतलब क्लाइंट ने ऑडिटर को, तो वो फैमिलैरिटी थ्रेट में आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई अगर आप आर्म्स लेंथ प्राइस पे चार्ज नहीं करोगे, कंपनी अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे चार्ज नहीं करेगी ऑडिटर को, तो वहाँ पे एडवोकेसी थ्रेट एंड फैमिलैरिटी थ्रेट आ सकता है। सो दैट इज़ वाई अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, ठीक है। आई गेस इट इज़ क्लियर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। अ पर्सन हु इज़ रिलेटिव, जो पर्सन, जो बंदा जिसका रिलेटिव एक डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉयमेंट है कंपनी में एज अ डायरेक्टर या की मैनेजेरियल पर्सनल। अब सोचो अगर मैं मतलब ऑडिट करना चाहती हूँ उस कंपनी का और मेरा कोई रिलेटिव वहाँ का डायरेक्टर है, ठीक है, तो अपने घर वाली ही बात हो गई ना, तो फिर हम उसके खिलाफ़ क्यों बोलेंगे। या फिर कंपनी का कोई की मैनेजरियल पर्सनल है, मतलब की मैनेजरियल पर्सनल मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंपनी का, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, तो वो क्या होगा, अपनी कंपनी हो गई, भाई हमारा रिलेटिव जो है वो वहाँ का डायरेक्टर है या की मैनेजरियल पर्सनल है, सो दैट इज़ वाई मैं उसी के फेवर में बोलूँगी, मैं क्यों उसके अगेंस्ट में बोलूँगी। तो ये बहुत बड़ा एक डिसक्वालिफिकेशन है, अगर आपका रिलेटिव वहाँ का डायरेक्टर है या कोई की मैनेजरियल पर्सनल है तो आप वहाँ के ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है, ओके। नाउ अ पर्सन हु इज़ इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो हम लोग इसको टुकड़े टुकड़ों में पढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज़ इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया कि जो बंदा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहाँ, एल्सवेयर मतलब कहीं और अ पर्सन और अ पार्टनर of a firm holding appointment as its auditor. If such person or partner is at date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies other than one person companies, dormant companies, small companies and private companies having paid up share capital less than 100 crore. अब ये तो बहुत ही ज़्यादा confusing सा हो रहा है ना, कैसे इसको पढ़ें हम, तो मैं को इसको एक्सप्लेन करती हूँ धीरे धीरे, प्लीज़ हैव सम पेशेंस, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट, अ पर्सन हु इज़ इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं और, ठीक है, तो अगर तुम कहीं और एम्प्लॉयमेंट में हो तो तुम क्या ऑडिट के साथ में जस्टिस कर पाओगे। ऑडिट करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, यू हैव टू बी वेरी वेरी वाइज, यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, राइट। सो दैट इज़ वाई अगर आप कहीं और इन्वॉल्व हो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, तो आपका सारा का सारा फोकस, सारा का सारा टाइम तो वहीं जा रहा है, सो दैट इज़ वाई सॉरी हम आपको ऑडिटर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा पार्ट है वो ये बोल रहा है, और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, मतलब या फिर पर्सन या फिर उस फर्म का पार्टनर, जो ऑडिट करना चाह रही है फर्म उसका पार्टनर, होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर। If such person or partner is at date of such appointment or reappointment holding appointment, मतलब ये कि जो person और partner है, ठीक है, जो person और partner है वो अगर appointment है, मतलब अगर appointed है as an auditor,
मतलब एक तो हो गया हमारा एल्सवेयर, और दूसरा हमारा हो गया या तो पर्सन, ठीक है, या तो पर्सन या फिर फर्म का पार्टनर, या फिर फर्म का पार्टनर अगर जो डेट, जिस डेट को उस कंपनी में अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट हो रहा है वो कहीं और अपॉइंटेड है एज एन ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज अदर देन वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो अपॉइंटेड हो जाएगा एज एन ऑडिटर। मतलब ये कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो एक कंपनी के साथ में और बाकी की 19 कंपनी, मतलब टोटल 20 कंपनीज में ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। लेकिन वो कंपनीज में भी एक्सक्लूजन्स हैं, ओपीसी का वो नहीं होना चाहिए ऑडिटर, डोमेन कंपनी का ऑडिटर नहीं होना चाहिए, स्मॉल कंपनी का ऑडिटर नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है उसका ऑडिटर वो नहीं होना चाहिए। तो इफ सच पर्सन और पार्टनर इज एट डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, मतलब अदर देन ओपीसी, मतलब अगर ओपीसी का है, डोमेन का है, स्मॉल कंपनी का है, या प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, तो आप 20 कितनी भी कर लो उसमें 20 की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर इन सारी कंपनीज के अलावा आप किसी और कंपनी के ऑडिटर हो और वो कंपनीज क्या हैं 20 से ज़्यादा हो गई हैं, तो फिर आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। आई गेस आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये कुछ ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर पाऊँ। वेट, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सी, फर्स्ट इन्होंने पॉइंट बोला कि अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं और है तो वो ऑडिटर बन ही नहीं सकता। सेकंड चीज़ ये बोल रहे हैं कि जो पर्सन है, पर्सन की जगह हम लोग नाम रख लेते हैं, चलिए मेरा ही नाम ले लेते हैं सौम्य, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कोई फर्म ए है उसका पार्टनर पी, ठीक है। तो ये हो गया पर्सन, ये हो गया फर्म का पार्टनर। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना अब मतलब जिस कंपनी में मैं सोच रही हूँ, मैं कंपनी सी में सोच रही हूँ, मैं कंपनी सी में मैं ऑडिटर बनना चाहती हूँ, ठीक है। बट उस कंपनी सी के साथ में मैं 22 और कंपनी की ऑडिटर हूँ, ठीक है, या फिर ये जो पी पार्टनर है 22 और कंपनी का ऑडिटर है। तो बिकॉज ये वाली जो हमारी कंपनीज़ हैं, ये जो कंपनीज़ हैं ना, ये ना तो ओपीसी हैं, ना डोरमेंट है, ना स्मॉल कंपनी है, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं भी, तो इनकी जो शेयर कैपिटल है ये 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो बिकॉज़ ये इन चारों की चारों जो हमारी एक्सेप्शन हैं उसमें भी फॉल नहीं कर रही है, और जो लिमिट है वो 20 से क्रॉस हो गई है, तो इसलिए मैं क्या हो जाऊँगी, डिसक्वालिफाइड हो जाऊँगी, मैं इस कंपनी सी की ऑडिटर नहीं बन सकती हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड अगर क्या होता, अगर मैं 18 तो ये वाली कंपनी होती, ठीक है, और साथ में बाकी की जो मेरी तीन कंपनीज होती, सॉरी चार कंपनीज, वो इन चारों कैटेगरी में फॉल कर रही होती, तो फिर मैं क्वालिफाइड ही रहती ऑडिटर बनने के लिए। मतलब ये वाली जो कंपनी है, जो 20 की लिमिट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज पे अप्लाई होती है जिसकी, मतलब अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल इधर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर वो कोई पब्लिक कंपनी है, उस उन वाली कंपनीज में 20 की लिमिट, मतलब आप ओपीसी, डोमेंट, स्मॉल, इसमें कितने भी आप, मतलब कितनी भी ऐसी कंपनीज के आप ऑडिटर हो सकते हो, बट ये वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इसमें सिर्फ आप 20 कंपनीज के ही ऑडिटर बन सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 20 कंपनीज के ऑडिटर हो तब तो आप उस कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, मतलब 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल 20 होना चाहिए, ठीक है। और उन 20 में भी क्या क्या नहीं आएगी, हमारी ओपीसी, डोमेंट, स्मॉल एंड प्राइवेट कंपनी जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है दैट इज़ लेस देन 100 करोड़, ठीक है। तो आई गेस अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ हमारा जो नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है वो है अ पर्सन हु हैज़ बीन कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट और एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हैज़ नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कॉन्विक्शन। तो मतलब ये कि उसको कोर्ट ने मना किया हुआ है बिकॉज वो एक फ्रॉड में इन्वॉल्व था, तो वो जो कन्विक्शन है वो अगर उसके 10 साल पूरे हो गए हैं तब तो वो ऑडिटर बन सकता है, और 10 साल जब तक नहीं होंगे पूरे उस कन्विक्शन को तब तक वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, बिकॉज वो क्या कह रहा था, ही वॉज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ठीक है। ओके,
Now, a person who directly or indirectly renders any service referred to in section number 144 to the company or its holding or its subsidiary company. अब इसमें आप लोग एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, यहाँ पर associate company भी नहीं है और यहाँ पर subsidiary of such holding company भी नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा important हो जाती है. यहाँ पे ना तो आपका एसोसिएट कंपनी और ना ही होल्डिंग मतलब सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी है. तो ये सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी के लिए है, मतलब पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पर्सन ही है, रिलेटिव भी नहीं है, पार्टनर भी नहीं है, ठीक है? तो वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वो 144 सेक्शन वाली जो सर्विसेज है अगर उसमें इन्वॉल्व है तो फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकता है. तो वो कौन कौन सी हैं? इन केस ऑफ ऑडिटर बीइंग एन इंडिविजुअल, ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और एनी पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद सच इंडिविजुअल और थ्रू एनी अदर एंटिटी वट्स एवर इन विच सच इंडिविजुअल हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल और हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज बाय सच इंडिविजुअल शैल बी टर्म्ड एज रेंडर ऑफ सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द ऑडिटर. अब ये जो उन्होंने बोला था ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर वो ऑडिटर इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वो या तो खुद या फिर उसका रिलेटिव या उसका पर्सन या फिर कोई और पर्सन जो उससे कनेक्टेड है या एसोसिएटेड है, ठीक है, या फिर एनी एंटिटी वट्स एवर इन विच सच इंडिविजुअल हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, मतलब वो उसका जो है वो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, या फिर हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड इज़ यूज बाय सच इंडिविजुअल. तो उसमें हम लोग ये मानेंगे कि वो जो है रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब तो तब हो गया अगर वो खुद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्ले कर रहा है, और इनडायरेक्टली कब हो गया अगर उसका कोई पर्सन कनेक्टेड या उससे एसोसिएटेड डायरेक्टली या मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो उस चीज़ पर रख रहा है. तो अगर वो ऐसी चीज़ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब ये हो गया वो अकेले नहीं उसके साथ में इतने लोग भी हैं, तो फिर वो हम क्या मानेंगे कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सर्विस को रेंडर कर रहा है. और इन केस अगर ऑडिटर फर्म है तो ईदर इटसेल्फ और थ्रू एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स या फिर थ्रू इट्स पेरेंट सब्सिडरी और एसोसिएट. अब इसमें सब चीज़ें आ गई हमारी जो मैंने अभी बताई थी नहीं थी. व्हाट्स एवर इन विच फर्म और एनी पार्टनर हु हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल्स और हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड इज़ यूज बाय द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स, तो हम मानेंगे कि वो सर्विस को रेंडर कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है? तो हम कैसे मानेंगे कि वो उन सर्विस को रेंडर कर रहा है? या तो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर क्या है वो उसका ट्रेडमार्क वगैरह को वो यूज़ कर रहा है, ठीक है? इंडिविजुअल में भी है और इंडिविजुअल में उसके साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं, ठीक है, या फिर जो लोग उसे कनेक्टेड हैं, तो अगर वो भी अगर वो चीज़ का यूज़ करेंगे उन सर्विसेज को रेंडर करेंगे तो हम ये मानेंगे कि वो उसने इनडायरेक्टली रेंडर किए हैं एंड वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा फ्रॉम बीइंग अ ऑडिटर. तो वो कौन कौन सी हैं? तो सेक्शन नंबर 144 जो है कंपनी एक्ट का उन्होंने स्पेसिफाई की है, एंड ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शेल प्रोवाइड टू कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द बीओडी और ऑडिट कमेटी एज द केस में भी. बट ये वाली जो है ये बीओडी और ये भी अप्रूव कर दें लेकिन तब भी ये वाली जो है ये इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए. अगर ये सर्विस जो है ये रेंडर कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वो फर्म या वो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे फ्रॉम बिकमिंग द ऑडिटर. वो कौन कौन सी हैं? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, मतलब वो बिकॉज वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वहाँ पे आपका आ जाएगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड. वो खुद ही उसके अकाउंटिंग कर रहा है, खुद ही उसका ऑडिट कर रहा है, तो क्या वो सही से मतलब यार मैंने खुद ही अपनी कॉपी में आंसर्स लिखे और उसको खुद ही चेक कर लिया तो मैं तो अपने आप को फुल मार्क्स ही दूंगी ना. सो दैट इज़ वाई अगर जो बंदा वहाँ की अकाउंटिंग या बुक कीपिंग कर रहा है वो कभी भी ऑडिटर नहीं होना चाहिए, या फिर जो पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसको हम ऑडिटर नहीं बनाएंगे, ठीक है? अगर वो उसका इंटरनल ऑडिटर है, ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर भी एक तरह से वही हो गया जिसे कि सपोज़ कोई टीम वर्क है, ठीक है. अब टीम वर्क में एक लीडर है, अब वो लीडर क्या कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले इंटरनली चेक कर रहा है, ठीक है, बट फाइनल रिजल्ट्स जो है वो एक जज देने वाला है, एक आउटसाइडर देने वाला है. तो इंटरनल ऑडिट अगर वो जज आके इंटरनली ऑडिट कर लेगा उस टीम का, इंटरनल चेकिंग कर लेगा, तो वो तो पहले ही बता देगा सारी गलतियाँ, है ना? तो क्या वो ट्रू एंड फेयर रह पाएगा उस टीम के साथ? नहीं रह पाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या हो गया, उसने इंटरनली उसको ऑडिट कर लिया. सो दैट इज़ पर इंटरनल ऑडिटर सेपरेट होते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर सेपरेट होते हैं. तो इंटरनल ऑडिटर कैन नेवर बी द ऑडिटर, ओके?
नाउ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब उसने अगर खुद ही डिज़ाइन किया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो फिर से वो वही चीज़ आ गई, उसमें अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग उसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ही तो होगी, तो फिर से यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया. ठीक है, एक्चुअरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज. अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइस करता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें नहीं करना है, तो भी वो क्या हो जाएगा, फिर से मतलब एक तरह से आपका यहाँ पे फैमिलियरिटी थ्रेट हो सकती है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज अगर वो दे रहा है, या फिर कोई आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर कर रहा है, ठीक है, मतलब कंपनी को वो बता रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, देन मैनेजमेंट सर्विसेज में अगर वो इन्वॉल्व है, तो ये आपको सब याद करनी, या फिर एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो ये सारी की सारी सर्विसेज क्या हो जाएंगी, ये अगर किसी ने रेंडर कर ली तो वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा फॉर बिकमिंग द ऑडिटर. नाउ इट मे बी नोटेड दैट एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म हु और विच हैज़ बीन परफॉर्मिंग एनी नॉन ऑडिट सर्विसेज ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल कम्प्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन बिफोर द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट. क्या बोल रहे हैं ये, फिर से पढ़ते हैं हम. इट मे बी नोटेड कि अगर कोई ऑडिटर है या फिर कोई ऑडिट फर्म है, ठीक है, वो अगर कोई नॉन ऑडिट सर्विस कर रहा है ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट, तो उसको सारे के सारे प्रोविजंस के साथ में कंप्लाई करना होगा, मतलब जो भी हमारे डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन वाले हैं आफ्टर द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट, मतलब बिफोर द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसको करना होगा comply इस सेक्शन के साथ में. ना एक इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए. सी ए पर्सन इज़ प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज क्या दी सेक्शन 144 ने डिसक्वालीफाई कर रखी थी, और ये क्या कर रहे हैं, ये इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं सी लिमिटेड को. लेटर ऑन ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. तो हमको एडवाइस करना है कि क्या वो बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते, बिकॉज ये सर्विस उसमें आ गई, हमारी सेक्शन नंबर 144 में आ गई. तो उसमें इन्होंने वही दिया, डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस रेफर टू सेक्शन नंबर 144. ठीक है, तो यही सब इन्होंने यहाँ दे दिया. देयरफोर सी ए पोर्शन इज नॉट एडवाइज टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट. ओके, नाउ उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट चीज़ बोली है, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर्स एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब वो पहले एलिजिबल था बट फिर क्या हुआ, बट कुछ डिस्क्वालिफिकेशन में आ गया आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, मतलब वो एलिजिबल था तो वो अपॉइंट तो हो गया था, लेकिन फिर लेटर ऑन वो क्या हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गया. तो ही शैल वैकेट हिज ऑफिस एंड सच ऑडिटर एंड सच वैकेशन शेल बी डीम्ड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी. तो फिर वो उसको उसी टाइम पे क्या कर देना चाहिए, वैकेट कर देना चाहिए, एंड उसको हम क्या मान लेंगे, कैजुअल वैकेंसी मान लेंगे. अब हम इन्होंने नेक्स्ट केस स्टडी दी है, मिस्टर ए एक सीए हैं, वो ऑडिटर बने हैं लक्ष्मण लिमिटेड के, ठीक है, AGM में, विच असाइनमेंट ही एक्सेप्टेड सब्सिक्वेंटली इन जनवरी 2017. ये जो है इन्होंने मिस्टर बी जो है अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैनेजर फाइनेंस थे, हु इज़ द मैनेजर फाइनेंस ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड, तो उनके भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए. ठीक है, एक मिनट. सब्सिक्वेंटली इन जनवरी 2017 ही जॉइंड मिस्टर बी अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैनेजर फाइनेंस है लक्ष्मण लिमिटेड के. ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या दिया है, सेक्शन नंबर 144(1) सबसेक्शन 3 प्रिस्क्राइब्स दैट एनी पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी विल बी डिस्क्वालीफाइड. अब ये देखिए ना, ये ज्वाइन हो गए, मतलब ये पार्टनरशिप में आ गए, मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या हो गए, पार्टनर हो गए, और मिस्टर बी साथ में क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी हैं, मैनेजर फाइनेंस है वो लक्ष्मण लिमिटेड के. तो बिकॉज मिस्टर ए के पार्टनर मिस्टर बी जो कि क्या है, एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, लक्ष्मण लिमिटेड के, मतलब उनके क्लाइंट के उसमें, सो दैट इज़ वाई क्या आ गए, डिस्क्वालिफिकेशन में आ गए. तो देयरफोर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन, तो इनको क्या करना पड़ेगा, मतलब पहले तो नहीं थे लेकिन बाद में बिकॉज ये ज्वाइन हो गए जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में था, तो इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, इन द प्रेजेंट केस मिस्टर ए जो थे वो ऑडिटर तो थे बट बिकॉज उन्होंने ज्वाइन कर लिया था मिस्टर बी के साथ में, तो वो हमारी सिचुएशन में डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गए, एंड इस वजह से मिस्टर ए को छोड़ना पड़ेगा, या तो वो अपनी पार्टनरशिप उनसे तोड़ लें, और या फिर वो क्या करना पड़ेगा, उन्हें ऑफिस से रिज़ाइन करना पड़ेगा, एंड वो क्या हो जाएगी, वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बन जाएगी. तो यहाँ पर जो है आपका टॉपिक नंबर 1 इन हिंदी बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, एंड आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया है.
ठीक है, अगर आपको अभी भी मतलब कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप लोग वो मुझे बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। बिकॉज़ इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इंग्लिश एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करूँगी, तो आप लोगों के पास में तब तक का टाइम है, आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लो एंड मैं फिर उसको मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्ट नंबर 3 या फिर अगर मुझे बाद में कोई कमेंट मिलेगा तो आपकी जो नेक्स्ट वो है मतलब वीडियो का उसमें उसको कवर कर दूंगी। ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है जो ये वाला पॉइंट है तो मैं इसको एक बार लास्ट बार समझा देती हूँ। फर्स्ट तो हमारा हो गया था जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। सेकेंड हमारे जो पार्ट था उसमें ये बोल रहा था कि वो पर्सन खुद या फिर उसका पार्टनर क्या कर रहा है, वो 20 कंपनी का जो है वो ऑडिट कर रहा है उस कंपनी के साथ में, और 20 कंपनी का मतलब सॉरी और 19 कंपनी का अगर ऑडिट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो क्वालिफाइड रहेगा। और अगर वो 20 कंपनी जो है उसके अंदर, पहले मैं आपको यही बताती हूँ कि वो जो ऑडिटर है उसका पार्टनर है वो और 20 कंपनी का ऑडिट कर रहा है तब तो वो क्वालिफाइड रहेगा। लेकिन अगर वो 20 कंपनी जो है, 20 से ज़्यादा हो जाएंगी वो कंपनी, टोटल कंपनी जिसका वो ऑडिटर है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 21st कंपनी के लिए से ही वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ 20 कंपनी का ही ऑडिटर हो सकता है एट अ टाइम। लेकिन ये जो 20 कंपनीज हैं, ये कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूड नहीं करेंगी, जो छोटी छोटी होती हैं, OPC हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया, डोमेन कंपनी हो गया, या फिर वो प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 है। तो इन कंपनीज में कोई 20 की लिमिट नहीं, कितनी भी ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जिसका वो ऑडिटर एट अ टाइम हो सकता है। लेकिन अगर वो ये कंपनीज नहीं है, मतलब वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड टैक्स ऑडिट के लिए जो सीलिंग लिमिट होता है वो 60 होता है, लेकिन जो कंपनी ऑडिट है उसके लिए क्या होता है आपका, 20 होता है। अब टैक्स ऑडिट वाला पॉइंट आगे आएगा बट मैंने आपको इसलिए बता दिया सो दैट आप इसको नोट कर लो एंड जब आप फुल चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको ईजिली ये पॉइंट रिमेंबर करने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो आई गेस मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से आपको ये समझा दिया है एंड एंडिंग दिस वीडियो हेयर। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट ऑन। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड थैंक यू सो मच।